बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रोहतराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें वीडियो वायरल भी हो रहा है, साथ ही कहीं सारे लोगों ने हमें व्हाट्सअप भी किया है। हमारे यूट्यूबर साथी ने भी हमें इस व्हाट्सअप पर हमें भेजा है कि इस वीडियो को दिखाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि आपने एक चीज सुनी होगी, सुनी नहीं होगी बल्कि अक्सर ये भारत से बाहर देखा जाता था अब तक। जैसे पाकिस्तान में कोई अटैक होता था, हमला होता था, और अटैक होने के बाद वही एक आतंकवादी संगठन आता और वो हमला की ये जिम्मेदारी लेता कि ये हमला हमने करवाया है। दरअसल आपने अब तक ये ईरान, इराक या पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर सुना होगा कि कोई आतंकी हमला होने के बाद कोई आतंकवादी पेशावर जो हमलावर होते हैं वो आते हैं बाहर और उसके बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि ये हमला हमने करवाया है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा हालात कितने पूरे देश के अंदर बिगड़े हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। जेएनयू के अंदर जिस तरीके का उबाल है और पूरे देश भर की विश्वविद्यालय हैं, जितने सरकारी विश्वविद्यालय वहां पर आवाज उठ रही है, किस तरीके से देश की आवाज को दबाए देने की कोशिश की जा रही है वो साफ तरीके से सब लोगों को पता है। जो भी आवाज उठा रहा है उनके ऊपर आत्मघाती हमले भी तक किए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपको बता दें जेएनयू के अंदर देर रात को एक आतंकवादी हमले के समान ही हमला हुआ। दरअसल आपको बता दें कि कुछ हमलावर जो कि नकाब पहुंचते उन्होंने हाथ में हथियार लेकर छात्रों छात्राओं के ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया था। लाठी नहीं बल्कि सरिया खुरपे जैसे गंभीर हथियार लेकर कैंपस में घुसे। उनको ना तो गार्ड्स ने रोका, ना ही पुलिस ने उनको रोका, बल्कि सीधे वो आए और छात्राओं के हॉस्टल में घुस गए। और छात्राओं के हॉस्टल में घुसने के बाद वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। जेएनयू की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जेएनयू के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले संख्या जो छात्र है वो SC ST OBC के। साथ ही इसके अलावा बता दें जेएनयू की एक खास बात और है कि जेएनयू के अंदर पढ़ने वाले लड़कों से भी कहीं ज्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की है। दरअसल आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर आप कई हॉस्टल में या कई क्लास में घुसेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये सिर्फ लड़कियों की कॉलेज है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ देखने को कोशिश करें तो भारत की जो पाश्चात्य संस्कृति है जो संस्कृति है उसको ढांचे को यहाँ पर पूरी तरीके से चोट पहुंचाने वाला है। क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं को आजादी नहीं मिलती, SC ST OBC के छात्राओं को पढ़ नहीं सकते, छात्र पढ़ नहीं सकते, ऐसा आप लोगों ने सबने सुना होगा। अब आपको बता दें कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था, ये सबको संदेह था और सब इस घटना को लेकर काफी ज्यादा गंभीर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट जो कि पिछले दिन उन्होंने झारखंड चुनाव में दिया था कि मैं कपड़े देखकर भी पहचान लेता हूं कि हिंसा आखिर कौन करता है। आपको बता दें कि ये घटना सामने आने के बाद लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उन घटना के पीछे लोग कौन थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आखिर क्यों नहीं कपड़े पहचान रहे। आपको बता दें कि ये सब चाहे कपड़े पहचान पाए हो या ना हो, या सच है या गलत ये अलग बात है, लेकिन आज एक संगठन जिसका नाम है हिंदू रक्षा दल उसकी तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो वायरल किया है, सोशल साइट पर वीडियो वायरल किया है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जो कि जेएनयू के अंदर हमला हुआ है वो हमला उनके संगठन की तरफ से करवाया गया है। पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ऐसी घटनाएं पहले आपको पाकिस्तान, ईरान, सीरिया इस तरीके के देशों में इस्लामिक स्टेट जो होते हैं उनमें दिखाई देती थी, भारत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती थी। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद सोच विचार कीजिए कि आखिर देश के अंदर हो क्या रहा है। हिंदू रक्षा दल लेता है, हिंदू रक्षा दल भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी, ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे, और जो भारत मां के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है उसे इस देश में, इस भारत मां के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का। हम लोग अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अपनी भारत मां के लिए, हमारे प्राण हमारी भारत मां के लिए हैं, और जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी ऐसी गतिविधियां करेंगे अगर किसी ने भी।